नमस्कार। लव मैरिज को अभी चंद दिन ही गुजरे थे। 2 साल के प्यार को ताक पर रखकर शातिर पति ने पत्नी के कत्ल की खौफनाक इबारत लिख डाली। पत्नी को लेकर पति दिल्ली आया, फिर अगली रात उसे एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। पत्नी को मरा समझकर आरोपी फरार हो गया, लेकिन 4 महीने बाद अस्पताल में भर्ती पत्नी कोमा से जाग गई और फरार पति सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम पति के कातिलाना साजिश से पर्दा उठाएंगे। 4 महीने पहले दिल्ली पुलिस को एक अर्धनिर्मित मकान से लहूलुहान लड़की मिली थी। वो कौन थी और उसकी ऐसी हालत किसने की, इसका कुछ पता नहीं था क्योंकि उसे होश ही नहीं था। कई महीने के इलाज के बाद युवती कोमा से बाहर आई, फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आई, जिसके बाद उसने जो सच बयां किया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक का नाम है रवि सिंह उर्फ टिंकू। इसकी साजिश का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसने न सिर्फ एक लड़की को प्यार का झांसा दिया, बल्कि उससे शादी करने के बाद उसके कत्ल की खौफनाक साजिश भी रच डाली। लड़की को एक खंडहर में ले जाकर आरोपी ने उसे ईंट से कुचलकर मरणासन कर फरार हो गया। शातिर को लगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गंभीर रूप से घायल लड़की की जान बच गई। अस्पताल में भर्ती लड़की ने 4 महीने बाद आंखें खोली और हैवान पति की करतूत बयां की तो पुलिस भी सन्न रह गई। सर, मेरा कोई कहना नहीं मान रहा, जबरदस्ती आके हमारे थाने में हमसे शादी किया और यहाँ तक हमारे घर का कोई काम भी नहीं कर रही थी। कब शादी किए थे तुम? 5-6 महीने हो गए सर। तो शादी के कितने दिन बाद तुम उसको दिल्ली लेके आए? शादी के 15 दिन बाद दिल्ली लेके आए सर। फिर उसको कहाँ ले जाकर के मारे? फिर उसको हम यहाँ लेके आए हैं, नागिया प्लाट, यहाँ पे मारे थे। हैरान कर देने वाली ये वारदात 4 महीने पहले की है। 13 जून को दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि एक निर्माणाधीन मकान में एक लड़की बेहोश पड़ी है। ईंट पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या की कोशिश की गई थी। लड़की कोमा में थी, उसके पास से कोई एड्रेस या मोबाइल भी नहीं मिला, लिहाजा पुलिस को आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2 महीने बाद युवती को होश आया, लेकिन सिर पर चोट के चलते उसकी याददाश्त जा चुकी थी। 2 महीने बाद उसकी याददाश्त वापस आई, जिसके बाद उसने पति की हैवानियत का सच बयां किया। मतलब बिल्डिंग के ऊपर? तो बिल्डिंग कोई नहीं था? बिल्डिंग में रात में कोई नहीं था। कितने बजे ले गए थे ऊपर बिल्डिंग को? 2 बजे रात में। तो 2 बजे का क्या चीज़ से मारा उसके सर पे? ईटा मारे थे। ईट मारे थे और फिर वहाँ से चल दिए? जी सर, वहीं से बेहोश कर दिए। तुमने सोचा कि मर गए वो, है ना? जी सर। 22 साल के पीड़ित युवती ने अपना नाम माधुरी बताया। वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। आरोपी रवि सिंह से उसका 2 साल से अफेयर चल रहा था। रवि शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन घर वालों और पुलिस के दबाव के बाद उसने माधुरी से शादी तो कर ली, लेकिन आरोपी उससे छुटकारा पाना चाहता था, जिसके चलते उसे दिल्ली लाकर हत्या की जघन्य साजिश रच डाली। शादी के 2 दिन बाद ही माधुरी को ठिकाने लगाने के इरादे से रवि उसे लेकर दिल्ली आ गया और फिर अगले दिन काम के बहाने प्रहलादपुर इलाके ले गया और फिर ईंट पत्थर से पिटाई के बाद उसे मरा समझकर फेंक कर फरार हो गया। एक दिन वो दिल्ली दिखाने के लिए 12 तारीख को, 12 जून को वो दिल्ली दिखाने के बहाने उसको दिल्ली में लाया। चूँकि ये रवि सिंह पहले 1 साल पहले दिल्ली में काम कर चुका था प्रहलादपुर थाने के इलाके में, तो उसको इस थाने की जानकारी, इलाके की जानकारी थी। तो वो उस लड़की को, अपनी वाइफ को यहाँ पे ले आया और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है 5 मंजिला, उस पर शाम के वक्त वो लेके गया और वहाँ उस पर ईंटों से प्रहार किया और वो वहाँ से भाग गया। आरोपी का पता लगाकर पुलिस जब उसे पकड़ने सीतापुर पहुंची, तब उसे पता भी नहीं था कि माधुरी जिंदा है। पुलिस ने आरोपी पति रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन हैवान की खूनी साजिश
रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कहावत है, मूलधन से हमेशा सूद ज्यादा प्यारा होता है। ये कहावत नाती पोतों के संदर्भ में भी कही जाती है, यानी बच्चों से ज्यादा दादा दादी या नाना नानी के लिए नाती पोते प्यारे होते हैं। लेकिन हाथरस में एक दादी ने कुछ घंटे पहले पैदा हुई अपनी पोती को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि दादी ने बच्ची की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया। पुलिस आरोपी बुजुर्ग महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती ये बुजुर्ग महिला इतनी हैवान और बेरहम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अपनों ने ही इस पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आरोप है कि महिला ने नवजात बच्ची को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बच्ची भी कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला की पोती थी। महिला के बेटे ने ही इस पर मासूम बच्ची की हत्या का जघन्य आरोप लगाया है। दादी ही बन गई हैवान, नवजात बच्ची को मार डाला। मासूम ने अभी दुनिया में कदम ही रखा था, अभी वो माँ के स्पर्श को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी। उससे पहले ही उसकी सांसें छीन ली गईं। अफसोस इस बात का है कि माँ ने ही अपने बेटे की खुशियों का गला घोंट दिया। अस्पताल के बेड पर लेटी इस मां की कोख कुछ घंटे पहले ही आबाद हुई थी, जो उजाड़ दी गई। हाथरस जंक्शन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जब यह बेसुध हालत में थी तभी सास ने इसकी बच्ची को उठा लिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन सास ने ऐसा क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं है। महिला के खिलाफ उसके बेटे ने ही पुलिस से शिकायत की है। उसका कहना है कि मां ने ही उसकी बच्ची को मारा है और ये बात उसने कबूल भी की है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये अभी तक साफ नहीं है। मुंद्रा देवी ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुछ देर बाद बच्ची अस्पताल से गायब हो गई। जब उसकी तलाश की गई तो अस्पताल के पीछे खेत में बुरी हालत में बच्ची का शव मिला। उसे जंगली जानवरों ने नोच डाला था। अच्छा, तो ये मतलब लड़की को मारा किसने? जिन्हें नहीं मारा, माता जी। तुम्हारी माँ ने? क्यों? अब ये जाने, परमात्मा जाने। है? अब ये इनकी माँ, ये जाने, मेरे को तो पता ही नहीं है। माँ का नाम क्या? तुम्हारी केला देवी। आप ये बात कह रहे हो कि माँ ने मारा है? और क्या, वो भी अपने आप कहेगी। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस उसे अपने साथ ले गई और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे मैं एक महिला कल एडमिट हुई थी, उसके पति ने एक दरखास्त दिया है कि उसकी जो लड़की पैदा हुई थी उसकी मां ने उसकी हत्या कर दी है। तो इस पर उस मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मां से पूछताछ की जा रही है और बाकी तथ्य एकत्रित जो साथ एकत्रित कार्रवाई की है विवेचना कार्रवाई करने के बाद से उसे कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित नीरज की दो बेटियां हैं, इस बार उसे तीसरी बेटी हुई थी। ऐसे में आशंका है कि कहीं नवजात को बेटी होने की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ी, क्योंकि आज भी कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। ऐसे में जब तीसरी बार भी घर में बेटी पैदा हुई तो रूढ़िवादी सोच रखने वाली महिला पोती की जान की दुश्मन बन गई। क्राइम कंट्रोल के लिए हाथरस से नीरज चक्रपाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्यार के नाम पर फरेब, फिर जाति की ऐसी साजिश कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सहारनपुर से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक लड़की को अगवा कर लिया गया, फिर दिल्ली में बंधक बनाकर उसके साथ 8 महीनों तक गैंग रेप किया गया। आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंची, जिसके बाद मामला सामने आया।
अपने माँ और पिता के साथ थाने पहुंची इस लड़की के साथ जाति की हदें पार की गईं। 8 महीने पहले इसे झांसा देकर बंधक बना लिया गया, फिर दिल्ली ले जाकर गैंगरेप किया गया। पीड़ित के मुताबिक वो पड़ोस में रहने वाले एक घर में काम करती थी। उसी घर में रहने वाले इरफान और काला ने उसे अगवा कर लिया और बंधक बनाकर कई महीने तक हैवानियत की हदें पार की। आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़ित किसी तरह से घर पहुंची, जिसके बाद परिवार उसे लेकर थाने पहुंचा। मैं गई उसके घर पे, उसने मेरे को खाने का दिया। खाने के बाद 2-3 मिनट बाद मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो मेरे को नकुड़ लेके आए। वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी होश आई, उन्हें पानी पिलाया। वहाँ पे उसका बड़ा लड़का इरफान और काला और पाटो थी, मैं तीनों थे और 3 बिहारी थे जी। उन्हें बिहारियों से कहा कि इसे लेके चले जाओ। आरोपी पड़ोसी युवकों का नाम इरफान और काला है, जिन पर लड़की को घर बुलाकर अगवा करने का आरोप है। पीड़ित लड़की का कहना है कि नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी उसे दिल्ली ले गए, जहां पर आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया। गलत काम नहीं करने पर आरोपी उसके साथ रोजाना मारपीट करते थे। 2 दिन के बाद ही वो बोलती थी बिहारियों के, इस पर से धंधा करो और पैसे कमाओ और बैठे खाओ, मेरे को भी 2 आधे पैसे अपने आप लो। जी मैं धंधा करने के लिए बोलते थे, मैं करती नहीं थी, मारपीट करते थे और जबरदस्ती करवाते थे जी। बेटी के लापता होने के बाद भी गरीब माता पिता ये समझकर शांत बैठे रहे कि उनकी लड़की किसी के साथ चली गई। लेकिन कई महीने से लापता बेटी जब घर लौटी और उसने अपने साथ हुई जाती बयां की, तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। लड़की का आरोप है कि आरोपी इरफान के कुछ साथियों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की। सभी मिलकर उसे गलत धंधे में उतारने की कोशिश कर रहे थे। एक बालिका करीब 7 महीने पहले गायब हुई थी और उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में है। इस संबंध में 2 पंजीकृत कर लिया गया, बालिका का मेडिकल कराया जा रहा है। शीघ्र साल संक्रमण गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। लड़की का मेडिकल करवाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एसपी का कहना है कि तफ्तीश में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जौनपुर में एक टीचर की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। शातिर आरोपी ने नाबालिग छात्रा को अपने जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। छात्रा के घर वालों को आरोपी की साजिश का पता तब चला जब नाबालिग छात्रा प्रेग्नेंट हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हवालात में बंद ये शख्स पेशे से टीचर है, लेकिन इसकी शर्मनाक करतूत सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। अपने फरेब के जाल में फंसाकर आरोपी ने एक छात्रा की जिंदगी बर्बाद कर दी। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही अपने किए पर कोई अफसोस। टीचर की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्रा से रेप। पीड़ित लड़की 9वीं की छात्रा है। आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती करता रहा। कई महीने बाद शर्मसार कर देने वाली वारदात का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग छात्रा प्रेग्नेंट हो गई। जघन्य वारदात नगर कोतवाली के एक निजी स्कूल की है। पीड़ित परिवार को जब बेटी के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने आरोपी टीचर और उसके परिवार पर शादी का दबाव बनाया तो उसके परिवार ने शातिराना चाल चली। आरोपी के प्रिंसिपल मां ने झांसा दिया और शादी का वादा कर छात्रा का गर्भपात करवा दिया। ये आरोप लगाया है कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उस स्कूल के प्रबंधक
कलर का उसके साथ उसकी दोस्ती थी और उसने जो है उसके उससे शादी करने का वादा किया था और उसी वादे के क्रम में उसने उसके साथ संबंध बनाए थे। आरोपियों के कहने पर छात्रा के परिवार वाले झांसे में आ गए, लेकिन उसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और फरार हो गया। बेटी की जिंदगी के साथ हुई जाति से आहत परिवार ने थाने में तहरीर दी। मामला टीचर की शर्मनाक करतूत और छात्रा के साथ रेप का था, लिहाजा पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और फरार आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शादी से उस लड़के ने इनकार कर दिया, उसके घर वालों ने इनकार कर दिया, इसी आधार पर लड़की की तरफ से तहरीर आई थी जिसपे अभियोग दर्ज किया गया है और उस लड़के को गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचना चल रही है। आरोपी टीचर और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन स्कूल में छात्रा के साथ ऐसी जघन्य वारदात सोचने पर मजबूर कर देती है। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जुर्म के खिलाफ यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। कुशीनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़ा गया बदमाश सराफा कारोबारी से लूट और हत्या के मामले में वांछित था। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती पुलिस के जवान और एक अपराधी की तस्वीरें कुशीनगर की हैं। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है, जिस पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। एनकाउंटर में बदमाश के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी पुलिस का काउंटर अटैक, गिरफ्त में 5,000 का इनामी, कारोबारी की हत्या में था वांछित। गिरफ्तार बदमाश का नाम समीर खान है, वो पडरौना कोतवाली इलाके का रहने वाला है। आरोपी पर पूर्वांचल के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। समीर और उसके साथी पर पठेरवा थाना इलाके में हुई सर्राफा कारोबारी की हत्या का आरोप है। सर्विलांस के जरिए पुलिस को शातिरों की लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई। हालांकि एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। व्यापारी को गोली मार दी गई थी, एक व्यापारी खत्म हो गया था और दूसरा जो है अभी अस्पताल में है। तो उसी घटना से संबंधित अभियुक्तों की तलाश में हम लोगों ने 4 टीमें बनाई थी और उन चारों टीमों के सभी सदस्यगण जो है वो अपने अपने उसमें क्षेत्र में तलाश में लगे हुए थे। पुलिस टीम के बदमाशों से मुठभेड़ कसिया थाना इलाके के बनकटा गांव के पास हुई। पुलिस को इलाके में बदमाशों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई थी। पुलिस को जैसे ही बाइक सवार बदमाश आते हुए दिखे, उन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी बाइक छोड़कर भाग निकले। दोनों बदमाशों ने खेतों के बीच छिपकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश समीर पकड़ा गया। बिहार के बॉर्डर पे ये खरटिया बनकड़ा चौकी क्षेत्र में खरटिया जंगल के आसपास ही हम लोग ये हमारी टीम जो है तलाश कर रही थी। उसी तलाशी के दौरान ही ये लोग अभियुक्त गढ़ दिखाई दिए और जो मुखबिर था उसने जो बताया कि ये लोग हैं। तो जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये पहले तो गाड़ी छोड़ करके ये लोग भागने का प्रयास किए। बदमाश समीर और उसके साथी ने पठेरवा थाना इलाके के फाजिल नगर में सराफा व्यवसायी पिता पुत्र को गोली मार दी थी, जिसमें पुत्र की मौत हो गई थी, जबकि पिता अभी अस्पताल में है। इस हत्याकांड से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। एसपी ने वारदात के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई थी। स्वाट टीम को बदमाशों की लोकेशन बिहार बॉर्डर पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर अटैक किया। हमारी टीम ने भी फायर किया, जिसमें किसके पैर में गोली लगी और घायल हो गया। घायल ये और दूसरा एक और भी बदमाश था गाड़ी पर,
वो बदमाश उसी आपाधापी में ही वो भाग गया है। उसकी तलाश भी की गई लेकिन मिल नहीं सका। इसमें दो है, एक स्वाट टीम का प्रभारी श्यामलाल यादव और गजेंद्र राय यशो कसिया, इनके हाथ में गोली लगी हुई है। बदमाशों की गोली से स्वाट प्रभारी श्यामलाल यादव और कसिया थाने के एसओ गजेंद्र राय जख्मी हो गए। पकड़े गए बदमाश के भी पैर में गोली लगी है लेकिन तीनों खतरे से बाहर हैं। शातिर अपराधी की गिरफ्तारी कर पुलिस ने कारोबारी की हत्या का खुलासा कर दिया है लेकिन हत्याकांड की साजिश में शामिल अन्य अपराधियों की अभी तलाश जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए कुशीनगर से एसएन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इधर हाथरस के सादाबाद थाना इलाके की एक कॉलोनी में मेहमान बनकर आए फौजी की पिस्टल से मजाक मजाक में गोली चल गई। गोली उस परिवार की बच्ची को लगी जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद फौजी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार सतीश यादव ने अपने फौजी मित्र बच्चू सिंह को भोजन पर न्योता दिया था। बच्चू सिंह नशे के हालत में आया था और पिस्टल भी साथ लाया था। परिजनों का कहना है कि वो मजाक मजाक में बार बार पिस्टल तान रहा था, इसी दौरान गोली चल गई जो सतीश की 11 साल की बेटी को जा लगी। अस्पताल जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इनके पापा बोले कि अंकल जी को बुला ले, वो अकेले हैं तो खाना खा लेंगे, त्योहार है। तो हमने खाना खाने को बुलाए थे, साथ में बंदूक लेके आए और ऊपर जाते ही जाते उन्होंने फायर कर दिया, लड़की की गोली छूट गई। मुकदमा पंजीकृत हुआ है, पोस्टमार्टम करवाई की जा रही है और अभी उसको गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इधर गोंडा में एमएससी की एक छात्र नगमा खातून ने हिम्मत और साहस की मिसाल पेश की है। एटीएम से पैसा निकालते वक्त उसे एक शख्स ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया और उसके पैसे लेकर भागने लगा। नगमा ने बाइक सवार शख्स को न केवल दौड़ाकर धर दबोचा बल्कि शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा भी कर लिया। नगमा की पुकार पर दौड़े आए लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाश से रुपए बरामद किए और मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। छात्रा नगमा को उसके साहसिक काम के लिए पुलिस विभाग ने सम्मानित भी किया। तो हमने पैसा दिया, वो एटीएम मेरा चेंज कर लिए और मेरे एटीएम से 10,000 रुपए निकाल के भागने लगे। मुझे लगा कि ये मेरा ही पैसा लेके भाग रहे हैं, तो मैंने उनको दौड़ा के पकड़, वो बाइक से भाग रहे थे और मैंने उन्हें दौड़ा के पकड़ लिया और फिर यहाँ। लड़की ने एक बहुत बहादुरी और साहसिक कार्य किया है जिससे समाज के लड़कियों और लड़कों दोनों को सीख लेनी चाहिए और इस बहादुरी कार्य के लिए उस लड़की को सम्मानित किया जाएगा और इसमें मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुजरिम को जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में शातिर पति ने पत्नी की हत्या की साजिश रची। सहारनपुर में पड़ोसियों ने लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया तो हाथरस में दादी ने ही किया नवजात बच्ची की कत्ल। रिश्तों के खून की ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।